हेलो एवरीवन, परीक्षावाड़ी से आगे के जितने क्वेश्चन रह गए हैं केमिस्ट्री से उन्हें हम कवर करेंगे। आगे के क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी कार्बनिक रसायन से। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये पूरे क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 30 वर्षों में जितने भी सेंटर एग्जामिनेशन हुए हैं, सेंटर में चाहे स्टेट में, उन सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? वो कार्बनिक यौगिक था यूरिया। इसका सूत्र होता है फॉर्मूला NH2CONH2। कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला ही दे देता है तो आपको फॉर्मूला पे ही टिक लगानी होती है। फॉर्मूला याद रखिए यूरिया का, NH2CONH2। पृथ्वी पर भूपरपटी यानी क्रस्ट में कार्बन की उपस्थिति कितनी है? 0.02%। मुख्यतः कार्बोनेट्स, पेट्रोलियम व कोयले के रूप में है। वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता लगभग कितनी है? 0.03% है। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन अलग शाखा के रूप में किए जाने का क्या कारण है? इसका कारण है कार्बन के यौगिकों का अत्यधिक संख्या में होना। कार्बनिक यौगिकों की संख्या 50 लाख से भी ज़्यादा है। कितना? 50 लाख से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, सभी जैव यौगिकों यानी जैव पदार्थों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी 6 तत्व कौन कौन से हैं? वो तत्व हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर है। ध्यान रखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्श गैस क्या है? दलहनों से निकलने वाली मीथेन गैस है। लकड़ी से प्राप्त CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है, उसको कौन सी संख्या प्रदान की जाती है? तो लकड़ी से प्राप्त CH3OH को कास्ट स्पिरिट, जिसे इंग्लिश में वुड स्पिरिट कहते हैं, कास्ट स्पिरिट की संज्ञा प्राप्त है। एथेन किस श्रृंखला का यौगिक है? खुली श्रृंखला का यौगिक है एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है? बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है। एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? मीथेन को, CH4 को। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किसने किया था? वोहलर ने। किसी कार्बनिक यौगिक के मुख्य गुण किस पर निर्भर करते हैं? उसके यौगिक के क्रियात्मक समूह पर, फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करते हैं। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? उस लेप का नाम है टेफनॉल। जो नहीं चिपकने वाला जो बर्तन होता है खाना पकाने के लिए, उसमें टेफनॉल का लेप चढ़ाया जाता है। पानी का बोतल व बाल्टी आदि प्रायः बनती है पॉलीविनाइल क्लोराइड व पॉलीएथनील टेरेफेटलेट से। नाम याद रखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट से, ठीक है। नायलॉन की खोज किसने की है? डॉक्टर वेलिस एच कैराथर्स ने किया है 1935 में। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? नायलॉन, सेक्स। पॉलीथीन किसके बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है? एथिलीन के बहुलीकरण से। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है टेरेलीन। टेरेलीन क्या है? ये न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर होता है। नेक्स्ट, बैकेलाइट व फिनॉल किसके सहबहुलक हैं? ये फॉर्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले मैंने परीक्षावाड़ी से जिन भी सब्जेक्ट को कवर कर दिया हुआ है, वो सारे ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो कि परीक्षावाड़ी के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। हमेशा आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम इसका प्लेलिस्ट बना लीजिए, तो मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम इसका प्लेलिस्ट मैंने सेट कर दिया था। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको वो मिल जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ।
और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये किस किस एग्ज़ामिनेशन के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सेंट्रल और स्टेट में अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे पीसीएस लेवल का हो, चाहे वनडे एग्ज़ामिनेशन में आपके एसएससी हो, ठीक है, चाहे यूपी SSC हो, रेलवे हो, सभी के क्वेश्चन का संकलन है ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, बिहार PCS हो, चाहे बिहार SI दे रहे हैं, दरोगा दे रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में, वनडे में आपके सब आ गया, तो इन सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है इसमें। तो ये आपके लिए, मतलब वनडे के एग्जामिनेशन के लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। थायोकॉल रबर है एक प्रकार संश्लिष्ट रबर, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेसा यानी सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। रेयॉन किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोस से। PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड के। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रायः किन बहुलकों का प्रयोग किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट्स, लैमिनेटेड ग्लास व केवलर का। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, बहुलक। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का, जो कि रबर के वृक्ष के लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है, आइसोप्रीन। बिसफेनॉल ए क्या है? बिसफेनॉल ए क्या है? एक रसायन है जिसे कि खाद्य संवेष्टन सामग्री, जिसे कि इंग्लिश में फूड पैकेजिंग गुड्स कहते हैं, तो ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बिसफेनॉल ए। कागज़ बनाया जाता है पौधों के सेल्यूलोस से, इसके लिए गन्ने की खोई, लकड़ी, घास, बांस आदि का प्रयोग करते हैं। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडियर ने। ईस्ट की उपस्थिति में सुक्रोस यानी C12S22O11 का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये फर्मेंटेशन का उदाहरण है, किण्वन विधि जिसको बोलते हैं। दूध से दही बनाने की क्रिया में कौन से जीवाणु किण्वन करते हैं? लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकॉक्स नामक जीवाणु। दूध से दही बनने का उचित तापमान व समय क्या है? तो आप समझ लीजिए कि दूध से दही बनने का उचित तापमान लगभग होता है 30°C, और अगर समय की बात करें तो 8 से 12 घंटे। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों के अल्कोहल्स के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों से सूक्ष्म जीवों द्वारा अल्कोहल के उत्पादन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध को दही में संपादित या स्पंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? एथेनॉल। हाइड्रोकार्बनों का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जीवभार है, बायोमास। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक हैं आइसोब्यूटेन व प्रोपेन। रसोई गैस मिश्रण है, किसका? रसोई गैस में जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। किसी खनिज कूप से तेल, पानी व गैस प्राप्त होने का आरोही क्रम क्या है? पानी, उससे ज़्यादा तेल, फिर गैस, मतलब आरोही क्रम है पानी, तेल, गैस। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किससे? भारत में पेट्रोलियम उत्पादों हाइड्रोकार्बनों के संरक्षण से संबंधित है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025। प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रतिशतता कितनी होती है? 90% होती है। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? मीथेन अणु की आकृति टेट्राहेड्रल होती है, समचतुष्फलकीय होता है। मीथेन के दो बंधों के बीच कितने अंश का कोण होता है? 109°28' का। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किस कार्बनिक गैस के अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन से। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है? मंगल ग्रह के। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली कौन सी गैस है? मीथेन है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। कोल गैस के घटक कौन है? कोल गैस के घटक है मीथेन, CH4+H2+CO। प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए एथेन, एथिलीन, एसीटिलीन तथा पायरीन में से कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन प्रयोग में लाई जाती है प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन का मिश्रण प्रायः किस कार्य हेतु प्रयुक्त होती है?
धातुओं के गैस वेल्डिंग में। कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त है? एथिलीन है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955 की धारा 44AA के तहत 1955 की धारा 44AA के तहत गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। किस गैस से? एसीटिलीन से। ध्यान रखिएगा, एसीटिलीन से फलों को पकाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑक्सी एसीटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। किसके द्वारा? गहन ऑक्सीकरण के द्वारा। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्रियोन 12 व क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से। फ्रियोन या CFC का मुख्य उपयोग क्या है? प्रक्षिप्तन है। फ्रियोन से वातावरण को क्या क्षति पहुँचती है? इससे ओजोन परत को क्षति पहुँचती है। वातावरण में फ्रियोन गैस की मात्रा बढ़ जाने से लोगों में किस बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाता है। त्वचा कैंसर का कारण यह है कि इससे ओजोन परत के पतला होने से पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक आएगी, जो कि त्वचा कैंसर का कारक होता है। शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट व अल्कोहल आदि ठंडी अनुभूति देते हैं। क्यों देते हैं? अत्यधिक वाष्पशील होने के कारण। अल्कोहल व जल के मिश्रण को अलग करने की उपयुक्त विधि क्या है? आसवन। पावर अल्कोहल क्या है? ये अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है, यही पावर अल्कोहल कहलाता है, जिसका प्रयोग स्वचालित इंजनों यानी ऑटोमोबाइल्स में ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल को विकृत करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है या फिर मेथिल अल्कोहल का। चीनी उद्योग का उप उत्पाद यानी मोलासेस किस प्रकार में बदलता है, मतलब किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये अल्कोहल में बदल जाता है। जैव पदार्थों के शवलेपन यानी जीवों के नमूनों के परीक्षण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? फॉर्मेलिन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल। फॉर्मेलिन का जलीय विलयन है मेथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड का। फार्मिक अम्ल यानी HCOOH और एसिटिक अम्ल फॉर्मूला होता है CH3COOH में क्या समानता है? दोनों ही कार्बनिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक अम्ल है और दोनों में समान क्रिया समूह यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से तेज अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आसानी से मुक्त होते हैं। एसिटिक अम्ल के 4-6% के तनु घोल को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? सिरका, विनेगर कहते हैं। कपड़ों में जंग और स्याही के दाग हटाने हेतु प्रयुक्त अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। लंबे समय तक शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल का संचय। नींबू में खट्टापन क्यों होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। दुर्गंधयुक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के। बेकिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका किस अम्ल का जलीय घोल होता है? एसिटिक अम्ल का। नेपथेलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में सर्वप्रथम किया गया था? ल्यूसाइट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। कैफीन कहाँ पाया जाता है? चाय व कॉफ़ी में। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्रशीतक फ्रियोन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? फास्फोरिक अम्ल है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण घटना घटी थी? MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। LPG में रिसाव का पता लगाने हेतु क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टेन। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। खानों में
यानी माइंस में विस्फोट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? मीथेन के साथ में वायु का मिश्रण हो जाता है तो खान में विस्फोट हो जाती है। TNT, TNG, RDX व नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। RDX का एक अन्य नाम बताइए। RDX का एक अन्य नाम होता है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्राएमीन, फॉर्मूला C3H6N6O6, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्राएमीन, ध्यान रखिएगा नाम। डायनामाइट का मुख्य संगठक है नाइट्रोग्लिसरीन। प्लास्टिक विस्फोटक का प्रयोग प्रायः किसके द्वारा किया जाता है? आतंकवादियों के द्वारा। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विस्फोटक की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोनेल एक मिश्रण है किसका? एल्यूमिनियम पाउडर व अमोनियम नाइट्रेट का, ये विस्फोटक बनाने में प्रयुक्त होता है। बारूद मिश्रण है सल्फर चारकोल व शोरा का, सोल्टपीटर का। TNT का विस्फोट किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट के। बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर का, पोटेशियम नाइट्रेट 75% प्लस सल्फर 10% प्लस चारकोल 15% का, ठीक है इसका। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल है। ना सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल की। जमने वाले तेलों में किन वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है? संतृप्त वसीय अम्लों की। वसाओं के स्वतंत्र ग्लिसरॉल के परीक्षण हेतु क्या किया जाता है? वसाओं का डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण किया जाता है। वसा व तेल की दुर्वासित का प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीकरण तथा जल अपघटन। मनुष्य को किस प्रकार के वसा का सेवन करना चाहिए? असंतृप्त वसीय अम्लों से युक्त पादप वसाओं का। वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं CH4 और COOH। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा घी बनाने की अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकिल का। साबुनीकरण का उप उत्पाद क्या है? ग्लिसरॉल है। बाय प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरॉल है। अपमार्जक क्या है? ये एक प्रकार के शोधन अभिकर्ता, एक प्रकार के शोधन अभिकर्ता है। अब आगे हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके मुख्य उपयोग को जानेंगे। ये यौगिक है, ये उनके उपयोग हैं। जितने भी यहाँ पे स्टार बने आपको दिख रहे हैं, मतलब ये कई बार पूछे जा चुके हैं। सोडियम बेंजोइट, इसका प्रयोग अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, प्रिजर्वेशन में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, मूत्रीय प्रतिरोधी के रूप में यानी एंटीसेप्टिक के रूप में, श्वास नली के विसंक्रमण में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग कारों में प्रतिहीम कारक यानी एंटीफ्रिज के रूप में किया जाता है। आइडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है विद्युत के लघु पथन में लगी आग बुझाने के लिए यानी शॉर्ट सर्किट में। टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। साइट्रिक अम्ल का अचार, मुरब्बों आदि के परिरक्षण में। सैलिसिलिक अम्ल का दर्द निवारक दवाओं के रूप में। नेप्थिलीन का, इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते हैं, जो वाइट कलर की गोली होती है। फार्मेलिन, फार्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन होता है फार्मेलिन, इसका उपयोग किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए और रोगाणुनाशक के लिए। सिर का, जो कि एसिटिक अम्ल का 4-7% तनु विलयन है, इसका उपयोग किया जाता है खाने व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। अर्शु गैस यानी टीयर गैस का उपयोग किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने में। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है फेफड़ों व त्वचा को क्षतिग्रस्त करती है, एक रासायनिक हथियार के रूप में इसका प्रयुक्त होता है, ये प्रयुक्त है। ल्यूसाइट का उपयोग जहरीली होने के कारण रासायनिक हथियारों के रूप में प्रयोज्य है। क्लोरोपिक्रीन विषैली गैस जो युद्धकाल में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोज्य है। यूरोट्रोफिन मूत्र रोगों के दवा के रूप में प्रयोज्य है। पेराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्पिरिन ज्वरनाशी तथा पीड़ाहारी दवा के रूप में। क्लोरोटोन यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा है। क्लोरल DDT के निर्माण में उपयुक्त होता है, उपयोग किया जाता है। गैमेक्सिन
कीटाणुनाशक के रूप में, DDT कीटाणुनाशन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन में उपयोग किया जाता है, फायर एक्सडिविजन में किया जाता है इसका उपयोग, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का उपयोग सैक्रीन व सल्फा ड्रग के रूप में किया जाता है, यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में तथा यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है, एथिल मरकेप्टेन जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, इसका उपयोग किया जाता है LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए, इसको मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 जीवाणुनाशी के दवा के रूप में, एथिलीन का फलों के पकाने में किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का फलों को पकाने में किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में किया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, वैसे भी ऑलवेज़ ये रहती है, इसका कोई उपाय नहीं है। एलिथ्रीन का उपयोग मच्छर भगाने वाली दवाओं के निर्माण में करते हैं, पायरेथ्रीन का उपयोग मच्छर भगाने वाली क्वाइल के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, एलिथ्रीन का उपयोग किया जाता है मच्छर भगाने वाली दवा में, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। पायरेथ्रीन का उपयोग मच्छर भगाने वाली क्वाइल में किया जाता है, ये जो लिक्विड वाले में और ये क्वाइल वाले में किया जाता है। बिसेफेनॉल ए का उपयोग पॉलीकार्बोनेट नामक एक कठोर पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं, एथिलिग्नाइकॉल का उपयोग ऑटोमोबाइल्स में प्रतिहिम यानी एंटीफ्रीजी के रूप में किया जाता है, टेट्रा एथिललेट का उपयोग स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसमें अपस्फोटन की दर कम होती है, टेट्रा एथिललेट में अपस्फोटन की दर कम होती है, एस्बेस्टॉस का उपयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में करते हैं, फ्रियोन का प्रशीतन में, फॉस्फोरिक अम्ल का मृदु पेयों के निर्माण में, इपॉक्सी रेजिन का खाद्य पदार्थों एवं पेयों की पैकिंग में प्रयुक्त धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप चढ़ाने में किया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग अत्यंत विषैली गैस में, यही गैस भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 2 दिसंबर को उसके कारण मतलब उसी में त्रासदी का कारण बना था यही गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये तो आप सभी के जुबान पर रटा होगा, मरकेप्टेन LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए मिश्रित है, टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक में क्या मुख्य अंतर है, साबुन केवल मृदु जल से कपड़ा धोने हेतु उपयुक्त होते हैं जबकि अपमार्जक कठोर व मृदु सभी प्रकार के जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होते हैं, साबुन कठोर जल में कपड़े धुलने के लिए क्यों नहीं उपयुक्त होते हैं, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ अविलय अवक्षेप बनाते हैं और इस क्रिया में साबुन का अधिकांश हिस्सा व्यर्थ हो जाता है, ठीक है, किसके साथ में कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वसा के, कपड़े धोने के चूर्ण यानी अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट क्यों मिलाए जाते हैं, सोडियम सिलिकेट शुष्कता प्रदान करता है और सोडियम सल्फेट सरकता प्रदान करता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कपड़ा धोने का जो चूर्ण होता है उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाए जाते हैं, साबुन का जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, साबुन के धनायन जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, एस्पिरिन का साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का, टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका जेली की एक छोटी सी थैली रख दी जाती है, क्यों, क्योंकि वह नमी सोखकर दवा को खराब होने से बचाती है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग प्रायः किस रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन दर्द निवारक है, ठीक है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एस्पिरिन एक वृक्ष की लैटेक्स से मिलती है, एक शांतिकारक औषधि का नाम बताइए, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, एक शांतिकारक औषधि है, मॉर्फिन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में, बोरिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण उपयोग बताइए, ये एक प्रतिरोधी है जो कि घावों आदि की धुलाई के काम आती है, KMn4 का प्रयोग किया जा सकता है एक रोगाणुनाशी के रूप में, शुद्ध हनी का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है, फल शर्करा, शहद में लगभग 40% फ्रक्टोज व लगभग 30% ग्लूकोज पाया जाता है, एस्पर्टेम क्या है, ये कृत्रिम मधुरक जो कि चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है,
इसका प्रयोग स्थूलकाय व डायबिटीज से पीड़ित लोगों द्वारा चीनी के स्थान पर किया जाता है, क्योंकि इसकी अत्यल्प मात्रा से ही पर्याप्त मिठास उत्पन्न हो जाती है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज। दुश्चिंता कम करने वाली, शांति प्रदान करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? दुश्चिंता कम करने वाली व शांति प्रदान करने वाली औषधि प्रशांतक कहलाती है। कार्बोहाइड्रेटों का शरीर में मुख्य क्या कार्य होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 मोल कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? 687 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेटों का मुख्य स्रोत क्या है? आलू, गन्ना, चुकंदर, चावल, गेहूं, जौ, मक्का इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। बहुत अधिक पकाना व खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अवांछनीय होता है? खाद्य तेलों में बार बार व अधिक देर तक पकाने से कार्सिनोजेनिक, नाम ध्यान रखिएगा, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे कि बेंजपायरीन पैदा होता है, जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, वनस्पति घी किससे बनाई जाती है? वनस्पति तेलों में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। गोदूध में पीलेपन का क्या कारण है? कैरोटीन, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है। विटामिन की खोज किसने किया है? कैसिमिर फंक ने किया है 1912 में। फंक आप ध्यान रखिएगा। विटामिन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक जो शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में किस प्रकार मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। बेंजोइक अम्ल का प्रमुख उपयोग क्या है? बेंजोइक अम्ल का प्रमुख उपयोग है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। सोडियम बेंजोइट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? लैक्टिक अम्ल बनाने के कारण वायु में उपस्थित जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। दूध से दही जमाने पर उसमें कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक। मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रमुख सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथ्रीन। पायरेथ्रीन क्या है? ये एक प्राकृतिक कीटनाशक जो कि मच्छरों को भगाने के लिए काम आता है। मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन किससे प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधे से। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? चमगादड़ों के नियंत्रण में। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कहाँ पे होता है? कीटनाशक के रूप में। पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है। प्रकृति में सरलता से इसका निम्नीकरण नहीं होता है और खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर इसका सांद्रण बढ़ता जाता है। कौन सा पीड़कनाशी ओजोन परत का ह्रास करता है? मेथिल ब्रोमाइड। बड़े शहरों जहाँ पे स्वचालित वाहनों की संख्या बहुत अधिक होती है में प्रमुख वायु प्रदूषक सीसा है। ये वातावरण में कैसे पहुँचता है? पेट्रोल में प्रयुक्त एंटी नॉकिंग कारक टेट्राएथिललेड यानी तेल के कारण पेट्रोल के दहन से ये वातावरण में पहुँचता है। प्रदूषण जाँच में प्रायः किस कारक की जाँच की जाती है? सीसा व कार्बन कणों की। वाहन जनित प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड व सीसा। प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या होते हैं? वे वायु प्रदूषक जो कि प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में जा मिलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO SO2 आदि। द्वितीयक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं? जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे ओजोन व परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पेन एसेक्ट्रा। CFC किस प्रकार वातावरणीय क्षति करती है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन परत को नुकसान पहुंचाकर इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगती है, जिससे त्वचा कैंसर आदि रोग उत्पन्न होता है। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, व इससे इन वनस्पतियों का तेजी से ह्रास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना अधिक रहती है? रक्त कैंसर की, ल्यूकेमिया। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम धातु के। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश व नगर कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है USA और नगर है टोक्यो, जापान का टोक्यो। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का क्या कारण है? NO2।
ब्लैक फुट रोग का कारक है आर्सेनिक। विल्सन रोग किसके कारण होता है? तांबा के कारण। अब ये है स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, कथन है, ये सारे कथन सही है तीनों। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, नियोप्रिन संश्लेषित रबर है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट एसर्शन रीजन है, कथन है, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, उसका कारण दे रहा है कि फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीन तथा एसीटिलीन। ऑक्सी एसीटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, किसके द्वारा? गहन ऑक्सीकरण के द्वारा। विनाइल क्लोराइड, यूरिया, स्टार्च तथा स्टाइरीन में से पॉलीमर कौन है? पॉलीमर है स्टार्च, ध्यान रखिएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? कार्बन मौजूद रहता है, ध्यान रखिएगा। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसीटिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में नायलॉन, रेयॉन, केबलर तथा डेक्रॉन में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केबलर का बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट कथन है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है और कारण दे रहा है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथिलीन का। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है, एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। ये अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी ये भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? आधार है, एस्पर्टेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? बेंजोइक अम्ल है। नाखून पॉलिश परिमार्जन, एसीटोन, बेंजीन पेट्रोलियम, इथर तथा एसिटिक अम्ल में से क्या रहता है? एसीटोन रहता है। नेक्स्ट, सिल्क प्रोटीन, पॉलीस्टाइरीन तथा मंड स्टार्च में संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? पॉलीस्टाइरीन है। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। कार्बाइड, ब्लास्टिंग, जिलेटिन, डायनामाइट तथा एमाटोल विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो एमाटोल में नहीं पाया जाता है। आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए अन्य नाम, तो साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य में टेरिलीन कहाँ जाने वाला पदार्थ होता है? कृत्रिम रेशा। खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कागज के निर्माण के लिए। प्राकृतिक रबड़ का वल्नीरीकरण किस तत्व को डाल करके किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण जो है सल्फर को डाल करके किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और मजबूत बनाया जा सके। बैकेलाइट, सेल्यूलोज, पीवीसी तथा नायलोन में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोज है। बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक सहबहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड का सहबहुलक है। शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? अल्कोहल का। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो
बृहस्पति है। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? बृहस्पति के। घी, स्टार्च, प्रोटीन तथा रुई यानी कपास में से कौन बहुलक नहीं है? घी क्या है? घी बहुलक नहीं है। एसीटिलीन के बारे में निम्न कथन सही है। वेल्डिंग उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लैमिनेटेड कांच का, पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है कौन? मेथिल अल्कोहल। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। ऊन, रेशम, कपड़ा तथा नायलॉन में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो है टेफ्लॉन। कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफोन। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर के पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथेनॉल एवं पिरिडीन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मेथेन के। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मेथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोइल, एमिनो अम्ल। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित सही क्रम है। बढ़ते अनुक्रम की बात हो रही है हाइड्रोकार्बनों के अणुभार मेथेन, फिर एथेन के अणुभार प्रोपेन और ब्यूटेन। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है किसकी? जीवाणु की। बकमिस्टर फुलरीन है कार्बन यौगिक जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो कि परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफल्कीय संरचना से जुड़े होते हैं। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है यानी होमोजिनाइज किया जाता है। कैसे? इसके वसा कणों को सेंट्रोफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? लैक्टिक एसिड का संचय। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किसका? पैराफिन मोम एवं स्टेरिक अम्ल एसिड का, स्टेरिक अम्ल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। सबसे जटिल पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बनों का। एस्बेस्टोस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी उत्पाद है उनके स्रोत हैं फार्मिक एसिड होता है चींटियां जो काटती हैं जिसमें लहर होती है उसमें क्यों होती है? फार्मिक एसिड के कारण। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। आचार में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। सेब मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। अगला मैग्नीशियम क्या है? आतिशबाजी है। आतिशबाजी के लिए मैग्नीशियम का यूज़ होता है। मैग्नीशियम संबंधित है आतिशबाजी से। यूरेनियम परमाणु बम में। जिंक गैल्वनीकरण में। ग्लूकोज, सेल्युलोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्युलोज पाया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको? ओजोन परत को। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया है? ब्राज़ील। कानूनन अनिवार्य कर दिया है ब्राज़ील ने। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? टीएनजी का नाम है नोबेल तेल। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है। इसके साथ ही
आज का सेशन और आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि परीक्षा वाणी से पिछले 30 वर्षों के प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। ये जितने भी प्रश्न अब तक 3 वीडियो में कवर हुए हैं आपके भर भर के, वो इसमें सारे ही क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री के कवर हो चुके हैं। वनडे के तो सारे एग्जामिनेशन इससे हो सकते हैं आपके स्टेट लेवल के, लेकिन अगर आप UPSC और स्टेट PCS की अगर आप बात करें तो उसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। मतलब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। NCERT पढ़िए आप, लूसेंट पढ़िए आप, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर से 2 से 3 बार आप पढ़ते रहें। वीडियो यूज़फुल है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।